You're watching Exposed India. वीडियोकॉन लोन मामले में सीबीआई ने दीपक कोचर के खिलाफ शुरू की जांच। वीडियोकॉन समूह में दिए गए लोन के मामले में कोचर और उनके परिवार के सदस्य हैं आरोपी। पुलिस ने सीबीएसई पेपर लीक मामले में 60 लोगों से की पूछताछ। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक कहां से हुआ। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से राज्य की पुलिस ने शनिवार को हनुमान जयंती समारोह पर सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। सशस्त्र रैली और जुलूस पर लगाया प्रतिबंध। खाड़ी इलाके की विवादित गाजा पट्टी में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। इजरायली सेना की ओर से गाजा पट्टी पर छोड़े गए आंसू गैस और लाइव फायर में 8 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। आंध्र प्रदेश के कड़वा जिले में शुक्रवार को कोडंडरमा स्वामी मंदिर में रामनवमी उत्सव के दौरान पंडाल गिरने से हुआ एक बड़ा हादसा। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत और 70 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। इंदौर में हनुमान जयंती पर शनिवार को शहर के हनुमान मंदिरों में फूल बंगला सजाया और हनुमान जी का विशेष श्रृंगार के साथ अभिषेक का चोला भी चढ़ाया। सीबीएसई का पेपर लीक होने के मामले में छात्रों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा है। सीबीएसई 10वीं का गणित का पेपर और 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा कराने को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब 10वीं के गणित की परीक्षा दोबारा पूरे देश में नहीं होगी। ये परीक्षा दिल्ली और हरियाणा में फिर से हो सकती है। वहीं सरकार के इस मामले के बाद छात्रों का कहना है कि बोर्ड की लापरवाही की सजा हम क्यों भुगते। छात्रों का कहना है कि या तो सभी विषयों का पेपर दोबारा होने चाहिए या फिर इन दोनों विषयों के पेपर भी दोबारा ना हो। सीबीएसई 10वीं कक्षा के गणित और 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र लीक मामले में क्राइम ब्रांच की जाँच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि कुछ परिजनों ने पेपर के लिए 35,000 खर्च किए थे, हालांकि बाद में बाजार में लीक पेपर 500-500 रुपए में उपलब्ध हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलिंग के मुद्दे पर 1 अप्रैल से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब वे इस फैसले से साफ पीछे हट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से अब तक 3 बार भूख हड़ताल का ऐलान किया जा चुका है। एक बार वे दिल्ली विधानसभा में भी ऐसा बयान दे चुके हैं, लेकिन तारीख नहीं बताई गई थी। वहीं इस मामले पर कारोबारियों का भरोसा था कि उनके समर्थन में केजरीवाल 1 अप्रैल से भूख हड़ताल पर जाएंगे। गुजरात के भावनगर जिले में कुछ ऊंची जाति के लोगों ने घोड़ा रखने और घुड़सवारी करने पर एक दलित की कथित तौर पर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों का दावा है कि उमराला तहसील के टिम्बी गांव में इस घटना के बाद तनाव है। वहीं पुलिस का कहना है कि पास के गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए भावनगर अपराध शाखा से मदद मांगी है। सीबीएसई बोर्ड के प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जबकि 10वीं के गणित की दोबारा परीक्षा मात्र दिल्ली NCR और हरियाणा में जुलाई के महीने में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुछ अराजक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। झूसी में त्रिवेणीपुरम के पास शुक्रवार देर रात डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के जालौन के कोच में मेवालाल जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में सर्व समाज के शादी सम्मेलन में 14 जोड़ों की कराई गई शादी। शादी सम्मेलन में उरई से आए पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी ने पहुंचकर नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद किया प्रदान। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से कई बड़े बदलाव होंगे जिनका असर हमारी जेब पर भी पड़ेगा। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में 14 साल के अंतराल के बाद शेयरों की बिक्री से 1 लाख रुपए से अधिक के कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगाने का किया गया प्रस्ताव। आनंदी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। जब उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया तो उनकी आलोचना भी हुई थी। आज उसी आनंदी गोपाल जोशी को गूगल उनके जन्मदिन दिवस पर डूडल बनाकर सलाम कर रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर राजस्थान पुलिस कटघेरे में है। मामला झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर का है, जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर एक विदेशी कपल का सेक्स वीडियो सामने आया। रेलवे के सैलून में अब आम लोग भी लग्जरी सफर कर सकेंगे। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हो गई है। रेलवे ने इस सर्विस को होम ऑन व्हील का नाम दिया है। अब तक सैलून का इस्तेमाल सिर्फ मंत्री और अधिकारी ही करते थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों कर्नाटक दौरे पर है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शाह कर्नाटक जागृति यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान शाह उन इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि पूरे कर्नाटक के जिस हिस्से में हम गए वहां सिद्धरमैया सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी दिखाई दी, जहां स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति की ओर से शुक्रवार को सुबह हनुमान पिता का प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने प्रभात फेरी में थाली ली हुई थी। वहीं पुरुष लाल पताका लिए भजन कीर्तन करते चल रहे थे।
आपको बता दें कि प्रभात फेरी रविंद्रपुरी कॉलोनी दुर्गाकुंड मानस मंदिर त्रिवेदी मंदिर होते हुए श्री संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने हनुमान चालीसा पाठ भी किया। पारा बढ़ने के साथ ही दिल्ली में डेंगू जैसे बुखार वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेंगू जैसे बुखार वाले मरीज आजकल डॉक्टरों की चिंता का सबब बने हुए हैं। डॉक्टरों ने मई और जून की चिलचिलाती गर्मी से पहले इन्हें वेकअप कॉल बताया हुआ है।